हाय फ्रेंड्स, देखिए उसी व्यक्ति का एक और एम्पलीफायर है, ये भी बिका हुआ है। आप देख सकते हैं ये अहूजा का 250 वाट है। ये लगभग 8 साल या 9 साल या 10 साल पुराना होगा। जो बात है मैं क्लियरली बता रहा हूँ, इसको भी बेचना है। इसका प्राइस वीडियो के लास्ट में है, ज़रूर देखिएगा। मास्टर बेस्ट ट्रेवल आपको दिख रहा होगा, थोड़ा मिट चुका है। तो अभी क्वालिटी बिल्कुल वही है ओरिजिनल वाला, इसमें वॉल्यूम्स भी चेंज नहीं किए गए हैं, सभी कंपनी का है। हालांकि ज़्यादा समय हुआ है लेकिन बजा कम है, और 2 बार मेरे पास नहीं ये भी खुला है, और 2-3 बार किसी और के पास खुला था। ट्रांजिस्टर ओरिजिनल बेल के 3773 हैं, इसमें यह भी कंपनी वाला ट्रांजिस्टर है, कोई छेड़छाड़ नहीं हुआ है। बस वायर का प्रिंट एक बार शॉर्ट हो चुका था, इसमें एक व्यक्ति ने खुद से रिपेयर करने की कोशिश की थी, हालांकि फर्स्ट हैंड नहीं है, ये सेकेंड हैंड है। तो उनसे टच हो गया था एक जगह पर, तो थोड़ा प्रिंट इसमें जल गया था, तो हमने उसको बना दिया है। कंपनी का रेजिस्टेंस, कंपनी का ट्रांजिस्टर और बाकी सब कुछ वही है। कंडेंसर एक फटा हुआ था तो बदला गया है, हालांकि लगभग साल भर पहले बदला गया था। और इधर कोई कस्टमर जब भी देखता है और ख़रीदने की कोशिश करता है तो ये प्राइस थोड़ा ज़्यादा बोल दे रहे थे, तो नहीं बिक पा रहा था। तो हमसे बोले तो हम इसका अनुमानित प्राइस जो लगाए हैं लगभग 3500 रुपया है, और लास्ट में दिखाया भी गया है, तो आप देख लीजिएगा। ये 3510 है जो कि ब्रिज रेक्टिफायर भी कंपनी वाला है, और ये देखिए डीसी रेजिस्टेंस। इसका काम है, ये 24 वोल्ट से चलने वाला एम्पलीफायर है, लेकिन यहाँ 35 वोल्ट 30 वोल्ट 32 वोल्ट के आसपास आता है, तो रेगुलेटर ट्रांजिस्टर को बचाने के लिए इस रेजिस्टेंस का प्रयोग होता है। और ड्राइवर बोर्ड माइक पैनल एक ही में है, तो 3500 रुपये इसका प्राइस है। जिस किसी को भी चाहिए व्हाट्सअप कीजिए या कॉल कीजिए, और एम्पलीफायर